फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको सी एक्सेट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ना ब्लूटूथ से डेटा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं ना एक फ़ोटो को ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा ब्लूटूथ से। आप चाहे तो फोटो, वीडियो, ऑडियो, फाइल और भी बहुत सी चीज़ें सेंड कर सकते हैं ब्लूटूथ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है कि अपने ना मोबाइल फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, तो देखिए राइट टिक लग गया फोटो पे। अब आपको नीचे शेयर का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये पेज आता है, इसमें आपको इस पेज में ब्लूटूथ का ये ऑप्शन मिलेगा, ब्लूटूथ पे सिलेक्ट करना है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तो आपको ये मोर का ऑप्शन दबाएंगे, मोर पे दबाएंगे तो आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लूटूथ पे सिलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर जो है इसे ऑन के बटन पर टैप कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ब्लूटूथ का पेज आएगा, तो सामने वाले पर्सन का जो ब्लूटूथ का नाम होगा ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नाम यहाँ पर तभी दिखाई देगा जब सामने वाले पर्सन का ब्लूटूथ आपको पहले चालू कर लेना है, तब जाके आपको सामने वाले पर्सन का ब्लूटूथ का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो भी नाम है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो सामने वाले पर्सन के पास ना एक एक्सेप्ट का एक पेज जाएगा, ठीक है ना। उसे आपको सामने वाले पर्सन के डिवाइस में एक्सेप्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका यहां पर देखिए ब्लूटूथ से ये डेटा ट्रांसफर होने लगता है। तो जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में ब्लूटूथ के जरिए डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।